बर्थडे सी गेट डाला है तो इसको फोन से उतार लूँगी। जो मैंने प्याज मैंने थोड़ी सी गरी डाली है इस पर, अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो ये देखें मौसम आज फिर ख़राब है और सर्दी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो मैंने कल कपड़े धोए थे तो ये मैंने इधर एक एक जगह पर मैंने कपड़े को ना मैं फैला दिया तो सूख ही जाएंगे, तो सूख गए हैं माशाल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं इनको ना टिकाने लगाऊँगी तो सुबह का टाइम है, तो अब देखते हैं मेरी बेटी क्या कर रही है। पानी रख दिया आटा गूंदने, तो भी काम बहुत से करने वाले हैं। देखो ये किचन भी कितना गंदा हो गया, रिदा किचन कितना गंदा कर दिया इन्होंने। आप बताओ ना, अस्सलाम वालेकुम अली रजा, कैसे हो? मोहम्मद अली रजा, नाना अबू को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम नाना अबू, ऐसे बोलो। ये देखें दुलका साहब कैसा खेड़ा खेड़ा है मेरा शहजादा। अली अली बाबू से बात करो ना, बाबू देख रहे हैं आपको, बाबू देख रहे हैं, देख दे कि तो देख रहे हैं ना अली। मेरे बिठाने चाहता मैं तो ना खड़ा हो बना, एक कुर्सी तेरे दोपहर यहाँ पे खड़ा हो बना, ये बड़ा शरारती बंदी है ना साड़ा। पराठा खाना है, रोटी खानी है जी, ऑमलेट बना रही हूँ साथ में, क्योंकि ये वाला उतार लो पर रोटी। चल इसमें उतार दे, इसमें मैं घी लाया है आटे में ना, आटे में घी ला कर बनाया है ना, तो इसलिए ये रोटी टूट गई है क्योंकि इसमें घी हो रहा है, इन्होंने चूरी बनानी है। बहुत मजे का पराठा ऐसे बना हुआ है। ले सेब अपना बर्तन ले ले, तेरा मिल्लू मिल्लू साला भाई आज एक गंदी थूकी मम्मा लगा जाता है। ये अम्मी ने छील ली है सारी गाजरें और अब इनको मैं वॉश करके इनको वापस दूंगी। ये ले बच्चों कैंटीन लेके जा रही हूं मामा, मैं कैंटीन लेने को जा रही हूं। कैंटीन नहीं होती, कैंटीन होती है। मैं बोला तो चले ढक्कन वो अंदर पड़ा है। अली के साथ खेलना चाहते हैं,
दादा अपनी बेटा चाय ले लो पहले घुमा दी मैं चीनी वाली खाओगे ये देखिए माशाल्लाह जी गजरेला जो है ना तकरीबन उन पकने के ना करीब आ चुका है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। साथ मैंने दाल रख दी है कानी ये गल रही है अभी बना लेंगे। डाल दिया है दूध ये 5 किलो लाई थी 3 दिन पहले लेकर आई थी मैं तो कुछ इन्होंने खा ली सलाद सलूद बना लेते थे तो कुछ मैंने फिर ना आज मैंने सोचा मैं बना ही दूँ थोड़ा सा क्योंकि मेरा दिल भी कर रहा था तो इसलिए मैं बना लूँ। तो ये दूध भी तकरीबन 5 किलो में से दूध थोड़ा ही आ दूध जो है ना 3 किलो आ तकरीबन 3 किलो आ रहा था दूध तो ये वाला मैंने अभी बना रही हूँ अभी थोड़ा सी देर है इसमें मैं फिर देसी घी डालूँगी अभी मैंने चीनी भी इसमें नहीं डाली अभी क्या डाला अस्सलाम वालेकुम जी ये देखो माशाल्लाह अभी मैंने इसमें घी डाला है देसी घी डाला है तो इसको भून के उतार लूँगी जी मैंने प्याज भी कट के रख लिया है साथ में अभी लहसुन अदरक भी कूट लूँगी क्योंकि दाल जो मेरी है ये भी गल रही है तो जल्दी 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 बना लें क्योंकि अब बच्चे कह रहे हैं हम आज भूख ही बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि इस चूल्हे में गैस आ रही है तो जो अंदर वाला है ना उसमें गैस नहीं आ रही तो इसलिए मैं ये ना साथ साथ दोनों काम कर रही हूँ। अल्लाह करे वो हमारी गैस जो है ना सेट हो जाए गैस अभी सेट नहीं हो रही। हाँ जी जी अच्छा ठीक है मैं देखें मोहन अभी ये लोग अपने अपने माहौल में हैं अच्छा कुछ आ जाए अच्छी तरह से बंद कर दो ना बेचारे को अब माशाल्लाह चलने लगे इसमें हम इसको ना दिखाते हैं तो ये खुद ही आप माशाल्लाह चलने लग पड़े ये अभी मैं साथ में अदरक लहसुन जो है ना इनको मैं कूद लूँ बिजली चली जाएगी गैस तो होगी नहीं फिर भी खुश ही नहीं बंदा को काम तो करना है ना ये तो रेडी है इसको थोड़ा सा भून लो कितना भूनेंगे आप मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है इसको भून दें कि मैं भूल जाऊंगी और इधर जी मसाला बन रहा है दाल माश का माश है ना हाँ बेटा अंदर में हरी मिर्ची भी मिल गरी डाली है इस पर ये बादाम मैंने डाल दिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इसका घी जो है अलग हो गया ये देखें जी हमारे यार गजरेले की फाइनल लुक ज़बरदस्त गरी और बादाम से गार्निश किया हमने सब कुछ नहीं
अली पीछे हो जाओ, मेरी बेटी मेरे लिए सालन भी लेकर आ गई है। तो गजरेला तो मैंने अभी नहीं खाना क्योंकि अब रोटी का टाइम है, शाम के 7 हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, बिजली भी नहीं गई है, तभी रोटी खाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही जी अल्लाह हाफिज़, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, हमेशा की तरह जल्द और जल्द आपके पास मेरी वीडियो आए। तो ये देखिए मेरा नवासा जो है ना, और ये देखिए इधर लड़ाई हो रही है, भारत और कश्मीरियों की लड़ाई, जंग चल रही है। तो इसी के साथ ही जी अल्लाह हाफिज़।